एक बार फिर चीन और फिलीपींस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद है और अब यह विवाद युद्ध का रूप लेता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस अंदाज में फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने चीन को चेतावनी दी है, उससे तो यही लगता है कि अब फिलीपींस करो या मरो की कगार पर पहुंच गया है। एक सभा को संबोधित करते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ने चीन को दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीप से पीछे हटने की चेतावनी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर चीन की सेना विवादित द्वीप को छूती है तो सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। Let us be friends, but do not touch Pag-asa Island under it. Otherwise, things would be different. फिलीपींस की सेना ने कुछ दिनों पहले आगाह किया था कि चीन के सैकड़ों तटरक्षक बल और मछली पकड़ने वाली नौकाएं मनीला के नियंत्रण वाले पाग-असा द्वीप के आसपास जमा हो गई हैं, जिसके बाद ये विवाद और तूल पकड़ता जा रहा है। फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम पेट्रोलियम संसाधनों से संपन्न दक्षिण चीन सागर के विभिन्न द्वीपों पर अपना दावा जताते हैं, जबकि चीन अपना दावा करता है। दरअसल दक्षिणी चीन के समुद्र में तेल और गैस से समृद्ध कई द्वीप हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर सीमा विवाद से उलझे हुए हैं।